था जो होता है, जो था होता है। हाँ नहीं, सिचुएशन तो चखने से पता चलता है कड़वी है या मीठी है। बहरहाल मुझे तो निगलनी पड़ती है। तो सिर्फ ये है कि निगलूं तो किससे, कभी पानी से, कभी लस्सी, कभी दूध और कभी बिस्की या बिस्कुट। वो डिपेंड करता है मेरे डायरेक्टर के ऊपर कि कौन है। वो मुझे क्या मुहैया कर सकता है, सिर्फ छाछ का गिलास देगा या बिस्की भी पिलाएगा। तो लेकिन ये इमेज से खाली, क्योंकि अगर सिचुएशन है वो कड़वी हो या सीधी हो या सिंपल हो, एक तो ये कि उसमें ख्याल तो जरूर है। ख्याल है तो इसलिए सिचुएशन है, या सिचुएशन है तो फिर खाना है। उस सिचुएशन के लिए जो इमेजरी आपके जहन में आती है, एक और बड़ी मुश्किल जो मैं बल्कि स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सीखने की हद खत्म ही नहीं होती, मैं फिर सीखने को तैयार हूँ, कि एक ही सिचुएशन पर 100 साल से हम गाने कहते चले आए। आप देखिए तो 5-6 सिचुएशन में, बल्कि 3-4 तो अब तक भी स्टॉक हर एक फिल्म में है, हर एक फिल्म में है, और 100 साल से चले आ रहे हैं। वो जो मोहब्बत के गाने हैं कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं पर कह नहीं सकता, बताइए ये भी कोई तरीका छुपाने का। मुझे तुझसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, वो जस्टिफाई करना है, वो साफ कर लिया। लेकिन उस सिचुएशन पर गाने चले आ रहे हैं, डुएट्स चले आ रहे हैं, और उसके बाद हर बार ये कहा जाता है कि जरा सा हट के कुछ हो जाए। ये हट के ऐसा परेशान करता है कि एक ही सिचुएशन पर 100 साल से, और हर फिल्म में 3-4 गाने आप देखते हो, हजारहा फिल्में बनाई है, उसके बाद कहां हटे आदमी सिवाय इसके कि कुर्सी अलग कर ले। और उसके बाद लेकिन देखिए ये लोग समझेंगे नहीं। अब लोगों तक ऐसा हो कि बस फौरन जबान पे चढ़ जाए। अब ये आम चीजें हैं जो हर प्रोड्यूसर और हर डायरेक्टर आके कह देता है। एक तो हिट होना चाहिए, एक जबान पे चढ़ना चाहिए, आसान हो और लोगों की समझ में आ जाए। तो जो समझ में आया या तो उसे दोहराए, वरना आप नया कहां से। तो आला उदल एक जो मध्य प्रदेश से लोग हैं तो जानते होंगे, चली आ रही है, दो भाइयों की कहानी जो मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे, तो वो जगह जगह सुनाया जाता, बड़े खूबसूरत धुन है, और आला उदल की तारीफ में गाने। तो ओंकारा में जैसे सिचुएशन आई तो ओंकारा का थीम सॉन्ग बनाना था, तो विशाल से, एक तो विशाल को लिटरेचर की बहुत अच्छी पहचान है, आई मस्ट गिव दिस कॉम्प्लीमेंट टू हिम, क्योंकि शायरी बहुत अच्छी समझते हैं। तो उसमें ये तीन तीन त्रिशूल के जैसे माथे पर पल पड़ते हैं, कान पे रूं कान पे जू रहेंगे तो भैया रन बजा चल पड़ते हैं जी। अब ये आला उदल बड़े लड़ैया ताका वारसा ना जाए आला उदल जी, उस तरह का उस बुंदेलखंड का मीटर पे गाया जाता है। तो मैंने उस पर थीम सॉन्ग बनाया। अब इसमें कौन सा मुश्किल लफ्ज है, तीन तीन त्रिशूल के जैसे माथे पर पल पड़ते हैं, लेकिन उस रेफरेंस में क्योंकि नहीं आपने सुना हुआ, तो कहते ये समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, माथे पर त्रिशूल क्यों नहीं समझ में, तीन तीन त्रिशूल के जैसे माथे पर बल पड़ते हैं, कान पे यूं रेंगे तो भैया रन बजा चल पड़ते हैं। तो मैं ये समझ में आया कि हाँ, लेकिन रान तो वो है ना, यू गेट इट इन अ होटल रेस्टोरेंट, रान वो सिवाय खाने के और कोई उनका रेफरेंस नहीं मालूम। अब ये कि पहलवान लड़ने जाने से पहले ये रान बजाता, दिस इज रन, और रन बजा के चल पड़ते हैं खड़े होते आ जा। तो ये मुहावरे जबान के कहीं खोते जा रहे हैं हमसे, और मेरी कोशिश ये होती है कि उन्हें प्रिजर्व कर लो, उन्हें संभाल लो, ये कहीं ना कहीं फिर से कभी कभी मेरे गाने अगर मुश्किल लगते हैं या उसमें ये लगता है कि इमेज कोई नहीं आ रही, तो इमेज कुछ इस तरह से आती है कि पहलवान की रान बजा ली हमने। तो यूं इमेज अलग जरूर बन जाती है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका रेफरेंस जरूर। बीड़ी जला लीजिए घर से पिया, जब वो उसी के
चूल्हे से आग ले ले, रवायत है हमारे यहाँ बड़ी। और उसमें देखिए आप बीड़ी जलाए, लेकिन तमाम पूरा जमींदारा जो आप सुखविंदर सुना रहे थे आपको, जमींदारा का घराना जिस तरह है वो पूरा दिखाई देने लगता है जमींदारा ना, वो हमको कचहरी में बुलाए लिए और तो वो कचहरी कोर्ट नहीं है, दीवान खाने को कचहरी कहा जाता था जमींदारों के यहाँ, कि कचहरी में बुला लो वहां बात करेंगे, तो वो कचहरी दीवान खाना। तो कोशिश ये की है कि वो कहीं ना कहीं वो कल्चरली जुड़ा रहे हमारे लोकगीतों का, वो विरसा जो हमें मिला है जो बहुत रिच है और हर जबान में हिंदुस्तान की हर जबान में भरा पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं संभालते रहो। और कोशिश ये करता हूँ कि उनसे इमेजेस ले लें ताकि संभाल के अगली जनरेशन को उनके हवाले कर दें, वो खुद आगे ले चले। एक गाना गुजरा साहब का बहुत बड़ा हिट हुआ गजरा रही है, इसकी कुछ थोड़ी सी अगर राज हो तो हमें बता दीजिए, क्योंकि जब ये इतना बड़ा हिट हुआ और हमें लगा गुलजार साहब ने लिखा है, गुलजार साहब ने लिखा है, बहुत हैरत हुई। और वो भी हैरत इसलिए हुआ कि उसके बाद इतना बड़ा हिट, फिर इतना बड़ा हिट, और फिर इतना वाकई कॉमनली सबके लिए एटलीस्ट फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा चक्का था। जैसे हम गाना सुनते जाते थे वैसे गाना हमको समझ भी आता जाता था। लेकिन एक गाना कि थोड़ी राज अगर हो तो बता दीजिए। नहीं उसमें राज होता तो फिर मैं आपको गाना सुनाते क्यों, देता ही क्यों। लेकिन ये कि जो राज थे उसमें रखे हुए जरूर हैं। जैसे ये गाने की ओरिजिनल सिचुएशन थोड़ी बदल गई फिल्म में। ओरिजिनल सिचुएशन थी कि एक ढाबा है हाईवे पर, और वहां ढाबे में जो अमित जी कैप्टन कर रहे थे, वो बंटी और बबली यहां से गुजरेंगे उन्हें मालूम हुआ है, और वो इस ढाबे पे इंतजार कर रहे हैं, और वहां एक हारमोनियम लेके जो बजाने वाली होती है लड़कियां वो बैठी हुई है, और वो ट्रक खड़े हैं आते हैं और चले जाते हैं। तो जो ट्रकों के पीछे शेर लिखे होते हैं वो अंदाज है, वो शेर है जहां से वो गाना शुरू होता है, जालिम ने क्या ने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर, जालिम ने कुछ देखा इस तरह चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। ये टिपिकल शेर हैं जो शेर उन ट्रकों के पीछे लिखे थे, और बदनाम हो रहे हैं तेरे शहर, जालिम नजर हटा ले बदनाम हो रहे हैं तेरे अपने शहर वाले। तो इसलिए उसमें वो उनका दाद वो सिचुएशन के हिसाब से है, और वो है। और फिर वो किस्सा अपना वो दिल्ली का सुना चुके हैं कि जो कॉप है बैठे हुए वहां पे, तो स्क्रिप्ट पूरी तरह से उसमें शामिल है उस गाने के अंदर, कि जो स्क्रिप्ट है उससे मैं कहीं हटा नहीं। और उसी में आता है तेरा आना भी तो गर्मी तेरी बातों में इमाम की खुशबू है, और पान खा रहे हैं तो उनके सामने से इमाम की खुशबू जाए तो जिस तरह से करते खाने सामने, तो आप वो इमेजरी जो मुझे डायरेक्टर दे रहा है आई एम यूजिंग इट टू द बेनिफिट, कि तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है और तेरा आना भी तो गर्मियों की लू है। अब वहां पे आके बड़ी मुश्किल हुई कि जब राज की बात पूछ रहे कि इसमें लू कहां से आ गया, क्योंकि इस जनरेशन के पास लू के माने ही कुछ और हो गए। गर्मी की तेज हवा नहीं दिखाती, अच्छा मैं तो मौसम की बात कर रहा था। ये कहीं उंगली उठाए हुए चल रही है तो मैं क्या करूं उसमें, तो बस राज की बात सिर्फ उतनी थी। तो यूं ये गाना हुआ, बाद में सिचुएशन थोड़ी बदल गई और फिर उसके बाद उन्हें गेस्ट अपीयरेंस मिली ऐश्वर्या जी की। बट मेरा ख्याल है ये गाना जो हिट हुआ है वो ऐश्वर्या जी की वजह से हुआ, ऐश्वर्या मेड दिस सॉन्ग अ बिग सॉन्ग एंड अ ग्रेट सॉन्ग। उसमें भाई आपने अंग्रेजी भी, हाँ क्योंकि वो कैरेक्टर है जो बबली का, वो बंटी लड़की का नाम बोलती है, हाँ बबली, क्योंकि दोनों नाम बदले जा सकते हैं, लड़की भी बंटी हो सकती थी। तो वो आए है कानपुर से, एक तो जबान उसकी कानपुर की, वहां की जो कलोकियल जबान है यूपी की, फिर वो सिख घराने से है, उसके पेरेंट्स सरदार हैं, वो पंजाबी भी बोलती है,
और आई है मिस वर्ल्ड बनने के लिए, इसलिए अंग्रेजी अंग्रेजी दिखाने की बड़ी कोशिश करती है। तो यू वो जो मैं कहा ना कि लैंग्वेज के साथ मंदे रहना खूबसूरत भी लगता है स्क्रिप्ट में, और वो फिल्म के साथ जुड़े रहते हैं, वो बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि फिर वो अलग का टुकड़ा नहीं लगता, फिर उसी का हिस्सा लगता है बावजूद है। तो इसलिए कि ये आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल सवाल करती हैं, तजाए तजाए दिखाए खसमानो एंड में आता है। तो दैट्स व्हाई ऑल दोस लैंग्वेजेस आर अ पार्ट ऑफ दिस कैरेक्टर, तो मैंने उसको इस्तेमाल किया। तो सीखने को जो हमको ये मिलता है इसमें वो ये कि हम जिंदगी के को जब बहुत करीबी से छू लेते हैं, देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम रिएक्ट करना शुरू करते हैं। मौका लेता हूं, यू नीड समबडी अ डायरेक्टर, जैसे मैं आपके साथ एक गाना किया तो ही मेरे दोस्त है, फौरन इन्होंने लपक लिया था, क्योंकि मुझे मैं वो पहले भी ट्राई कर चुका था और कई जगह रिजेक्ट हो चुका था ये एक्सप्रेशन, क्योंकि हम महबूबा को तू मेरी जान है, तू मेरी जिंदगी है, तू यू आर माई लव, यू आर एवरीथिंग सब कुछ कहते हैं, उसे दोस्त नहीं कहते, और ये हमेशा कमी महसूस होती थी। और मैंने जिस दिन पहले दिन बड़े झिझकते वो लाइन सुभाष के सामने रखी, कहना गुलाब साहब ये तो मजा आ गया, तो नई बात है, उसको दोस्त ही कहना चाहिए उस लड़की को, अब ये वरना वो बॉलीवुड रत्नम के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वो इमेजेस के लिए मुझे कहते हैं मुझे अपसेट इमेजेस दीजिए, मणिरत्नम दैट्स व्हाट मणिरत्नम के यहाँ एक और तरह के गाने होते रहे, लेकिन जब आपके साथ काम कर रहा था तो ये टू पुट इट अक्रॉस इज ऑल्सो अनदर, क्योंकि मैं इसलिए थ्रिल हो गया था क्योंकि जितने भी गाने जो नाम देते हैं बालम साजन सजना बजना सोनिया ये कुल 250 नाम दे दे के थक गए हैं 50 साल से, तो जब गुलजार साहब ने कहा कि एक मशूक को और एक विलविट को तू ही तो मेरी दोस्त है, मैंने बोला वाह, आप ध्यान से देखिए दोस्त नहीं है, तू ही तो मेरी दोस्त है, तू मेरी दोस्त है नहीं, तू ही तो मेरी दोस्त है, मीन्स यू आर अल्टीमेट अल्टीमेट, ऐसे वाह गुलजार साहब ये तो आपने वो जो महबूबा के वर्ड से भी ऊपर कुछ वर्ड कह दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बाकी लोगों को भी पसंद आया, बट सारा इनका श्रेय जो है वो इनके कैलिबर को जाता है, इनकी सोच को जाता है, इसी जो एक सिंपल आदमी की कहानी भी या सिंपल आदमी की जबान में भी इतनी गहराई से सब बातें कह जाते हैं, और जो भी बात गहराई से बात कही जाती है उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। व्हेनेवर यू मेक अ फिल्म If you tell an internal journey of a character, it will live longer. But if you entertain a person and don't say any internal journey and say an episode in the film and just take out moti moti kahani batati, wo hit ho sakti hai, bahut badi hit ho sakti hai. Lekin uski umar nahi ho sakti. Umar usi ki hoti hai jisme atma hoti hai, jisme ki ek bahut gehri baat kahi jati hai, jo shayad pehli layer mein samajhna hai. इस तरह की ही सॉन्ग राइटिंग एंड पोएट्री जो है वो गुलजार साहब उस हसीयत से लिखते हैं। अगर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क आप में से कोई स्टूडेंट्स में से शर्माइए मत, हाँ हम सब महफिल में बैठे हैं, कोई फंक्शन नहीं है, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम भी स्टूडेंट्स हैं जी, वो तुम्हारी मौत में आगे बढ़ गया तो जो ख्याल है उनका वो ख्याल कभी किसी के हिस्से में आता है, कभी किसी के हिस्से में आता है, पर ख्याल तो गुलजार साहब का ही है। जब मेरी ये कि उसी दौरान कई बिखड़े कई गाने बने, ये नहीं फाइनली जो जिसके पास गया लेकिन वो उसी दौरान में हुआ। थैंक यू। तो ऐसा होता है। मैं आपसे एक सवाल, जब तक ये इंतजार, ओवर द इयर्स आपको फिल्मों में ऐसे कौन से लिरिसिस्ट हैं जिनके बारे में आप जिनसे इंस्पायर होते रहे हैं या जिनके गानों ने आपको, जब आपने पहला गाना लिखा कहीं ना कहीं एक मैं इस मतलब कुछ गाने तो सुनते रहे और जो हिट हो जाते थे वो गुनगुनाते भी रहे, नहीं अच्छे लगे तो भी गुनगुनाते रहे, ये एक हिट गाने की खूबी होती है कि चश्मे बद्दूर आपको नहीं समझ आया तब भी चश्मे बद्दूर गाते रहे, यहाँ बदना वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, जुगनू का एक जमाने का गाना था, नौशाद साहब के गाने सभी ने गुनगुनाया है कहीं ना कहीं, लेकिन कोई कोई गाना अपने अल्फाज के लिए अगर अटक गया है जी, तो उसमें एक तो साहिर साहब हैं, उनकी शायरी और उनका चॉइस ऑफ वर्ड, उनका इंतखाब अल्फाज का,
वो बहुत ही अलग और अलग झोंके की तरह आया जब आया इंडस्ट्री में, और ये महसूस हुआ कि ये बहुत ताजा है और ये अदब के बहुत नजदीक है, लिटरेचर के, पोइट्री के बहुत नजदीक है, क्योंकि साहिर साहब ने किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। साहिर साहब को इंडस्ट्री ने जैसे उन्होंने लिखा था, जिस तरह लिखते थे उसी तरह अपना लिया और एक्सेप्ट कर लिया। ये सिर्फ साहिर साहब थे और या पंडित प्रदीप थे जो अपनी तरह ही लिखते रहे, पंडित प्रदीप गाते थे और अपनी आवाज में गाते थे, और वो उनके ही शर्तों पर इंडस्ट्री ने उन्हें अपनाया। और ये साहिर साहब के साथ भी हुआ कि पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी। चांदनी का थकना पहली बार सुना के गाने में आया, ये एक्सप्रेशन नहीं आया था, इस इतने डेलिकेट एक्सप्रेशन शायरी में पहले नहीं थे। एक तो साहिर साहब की जबान ने बहुत इंप्रेस किया था, और बाकी गाने लिखने के लिए तो क्या, क्योंकि नियत ही नहीं थी गाने लिखने की मेरी। दूसरे शैलेंद्र जो दोस्त भी थे इप्टा में, और फिर बॉम्बे यूथ कॉयर में उनके साथ, फिर पीडब्ल्यू में, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में, वहां साहिर साहब से भी, उनसे भी मुलाकात होती थी। शैलेंद्र एक बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े लिरिसिस्ट, मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सबसे बड़ा अगर लिरिसिस्ट मिला है कोई तो दैट वाज शैलेंद्र, हु वाज एन ऑलराउंडर जी, मतलब वो कपिल देव थे। हाँ, वो उनका कोई खास था, लेकिन मैं जैसे ये गाना में पिछली बार भी शायद स्टूडेंट से बात करते करते यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इतनी एहतियात के साथ वो लफ्जों के मानी डाल दिया करते थे। मेरा जूता है जमानी ये पतलून इंग्लिस्तानी फिर भी ढीला हिंदुस्तानी जी, अब क्या बात है, इतना आसानी से कह गए, लेकिन उसके अंतरे की वजाहत मैंने पिछली बार शायद आपके सामने की हो, वरना फिर दोबारा करता हूँ। आइडियोलॉजिकली वाज अ ट्रेड यूनियनिस्ट, स्टॉन्च मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं कि शायर की अपनी जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं झलक जाती है, वो नजर आ जाती है। होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, जस्ट टॉकिंग ऑफ अ कॉमन मैन जी, इन कंट्रास्ट टू जी, होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे, सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी, ये पतलून है इंग्लिस्तानी। ये जो अंदाज बावजूद एक आम सी सिचुएशन पे, मैं आवारा हूं भी उन्हीं का लिखा हुआ जी, और मतलब शैलेंद्र जो बात से बात निकाल के, और उसी में एक और गाना है श्री 420 में, कह रहेगा कहने वाला जी, दिल का काला सुनहरे दोबारा कह के रहेगा कहने वाला, सीधी सी बात पढ़ो इसको मसाला, हाँ छोटी सी बात ना मेरे से मसाला, अब आम लफ्ज है बिल्कुल देखिए, और उनका फोक सॉन्ग्स के साथ ताल्लुक था जी, तो इसलिए जबान वैसे ही इस्तेमाल किया करते थे। मिला है किसी का झुमका जी, ठंडे हरे भरे नीम तले मिला है किसी का झुमका, कुछ नहीं एक फूल की इमेज, एक फोक सॉन्ग का अंदाज है, एक रोमांटिक गाना है, हरे भरे नीम तले मिला है किसी का झुमका, तो या मतलब मुझे छू जाती थी ये बात है, इसलिए शैलेंद्र मुझे बहुत बड़े लिरिसिस्ट, कौन गीतकार भी बहुत बड़े लगते हैं हिंदी इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म। अरे ये तो ट्रेड सीक्रेट पूछ रहे हैं।